नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 10 बजे हैं और इस समय मैं धर्मगढ़ से द्वारी के लिए जा रहा हूं अपने गांव की तरफ, तो यहीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। देखिए इस समय अपनी गाड़ी में हूँ और धर्मगढ़ से थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे मैं जा चुका हूँ, तो मैंने सोचा यार क्यों ना यहीं से अपने आज के ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहिए आप इस ब्लॉग में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And तो यार दोस्तों इस समय मैं द्वारी गांव में पहुंच गया हूं और सड़क में अपनी गाड़ी खड़ी करके मैं चले गया हूं ऊपर मल्ला द्वारी की तरफ। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का नज़ारा है यहां पे। ऊपर देखे पहाड़ों में अभी भी कोहरा लगा हुआ है। कल यहां पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी और जो आसपास में नदियाँ हैं छोटी छोटी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है और काफ़ी शोर हो रहा है अभी भी पानी का। बाकी दोस्तों मुझे जाना है एक श्राद्ध के निमंत्रण में और वहाँ पर मैं खाना खा के फिर वापस आ जाऊँगा धर्मगढ़ को। आप सभी जानते हैं आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में अभी भी बहुत सारे घरों में लोग अपने पितरों के श्राद्ध करते हैं। बहुत जगह तो जागर लगते हैं और उनको जो है पूजा जाता है, लेकिन अधिकांश अभी भी श्राद्ध होते रहते हैं। तो एक जो परंपरा है हमारे पहाड़ों में, जब श्राद्ध होता है तो लोग अपने गाँव के लोगों को भोजन कराते हैं, आसपास के लोगों को निमंत्रण करते हैं। तो मैं भी निमंत्रण में जा रहा हूँ और खाना खा के फिर मैं सीधे वापस आ जाऊंगा धर्मगढ़ को। बाकी मुझे आज कोई ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे। तो फिलहाल ये देख सकते हैं अभी यहाँ का मौसम कुछ इस टाइप का हो रखा है और बारिश आने की संभावना है, इसीलिए मैं साथ में छतरी भी लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं छाता मेरे साथ में है। कल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी दोस्तों, और बारिश होने की वजह से यहाँ की जो नदी हैं, गजेरे हैं, उसमें काफ़ी पानी है अभी भी। तो निकलता हूँ दोस्तों मैं यहाँ से ऊपर को और आगे जाके आगे का वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप बने रहो ब्लॉग में। तो यार दोस्तों अभी जिस जगह पर मैं पहुंचा हूं, इस जगह को बांजाणी कहा जाता है हमारे गांव में। बांजाणी के नाम से हम लोग इस जगह को जानते हैं और यहां से आया मैं ये नीचे से ऊपर को ऐसे। तो यहां पे जो बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, तो इसी वजह से इस जगह का नाम बांजाणी रखा गया। दोस्तों ये देख सकते हैं ये जो बांस के पेड़ के जड़ में एक बड़ा सा होल जैसा हुआ है, गुफा जैसी यहाँ पे बनी है। तो ये बहुत साल पहले से है, ऐसे एक पेड़ नीचे पर भी है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो बचपन में जब हम लोग यहाँ पे ग्वाला आया करते थे गाय बकरियों के साथ में, तो जब बारिश हो जाती थी हम लोग इसके अंदर छुप जाते थे, छोटे थे जब, तो इसके अंदर हम लोग छुप जाते थे। और दोस्तों एक जो ये पेड़ है, इस पेड़ के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ लगा हुआ है, इस पेड़ को गणा बांज के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ पे। जैसे गौंड होता है ना, गौंड पहाड़ी में बोलते हैं गौंड। दोस्तों अभी यहाँ से मुझे जाना है ऊपर को। जब आप लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो दो रास्ते जाते हैं, एक तो सामने को जा रहा है उधर को और एक ऊपर को जा रहा है। नीचे से हम लोग आए हैं ऐसे यहाँ से, तो ये सीधे जाता है ऊपर मल्लाद्वारी और सीकर की तरफ। और ये जो उधर को रास्ता जा रहा है दोस्तों, ये मल्लाद्वारी के दूसरे टोक के लिए जाता है जहाँ पर मेरा घर है। अभी कुछ समय बाद जब मैं अपने घर में होम स्टे तैयार कर लूँगा, तो उसके बाद यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाऊँगा बढ़िया सा इस जगह पर, जहाँ से सीकर के लिए ये रास्ता जाता है और आगे जो मेरा होम स्टे है, हिमसीकर होम स्टे करके जो मैंने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, वहाँ के लिए ये रास्ता जाता है करके यहाँ भी बोर्ड भी तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी से रहने के लिए जो है सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बाकी देश आ तो सही, इधर तो आ, यहाँ पर है। क्या नाम है तेरा? नैतिक में। एक गुब्बारा किसने दिया? गुब्बारा किसने दिया? किसने दिया? मम्मी ने। मम्मी ने दिया। अच्छा कितने में पड़ता है?
कहाँ? बागेश्वर। बागेश्वर पड़ता है। तो यार दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं वहां पर जहां पे श्राद्ध है, और अभी बाहर बैठा था मैं, चाय पी और ककड़ी खाई, उसके बाद जैसे ही बाहर बारिश हुई तो मैं अंदर आया हूं। देखो यहां पे ये भाविस है जो कि हमारे गांव का है, मेरा नाती लगता है, और एक संध्या है यहां पे, एक नैतिक है, और कुछ बच्चे सामने से देखे हैं। तो ये बच्चे अभी गाना गाएंगे और आपको सुनाएंगे गाना। तो ये भाविस है जो कि यहीं गाँव के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता है, नैतिक बागेश्वर पढ़ता है, और संध्या अल्मोड़ा पढ़ती है ना। संध्या अल्मोड़ा पढ़ती है ना। कितने में है तू? फोर्थ में। तो ये फोर्थ में है। नैतिक कितने में है? फर्स्ट में है। और तू कितने में है भाविस? सेकंड। ये सेकंड में है। तो ये बच्चे गाना गाएंगे, देखते हैं कौन अच्छा गाना गाता है, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये चंदू भी आ गया है, ये भी मेरा, ये वैसे दोस्तों मेरे सब ये नाती और नातनी लगती हैं। ये माही है, ये नातनी लगती है, ये संध्या नातनी लगती है, ये नाती है, नैतिक भी नाती है, और ये भी नाती है। मैं तुम्हारा बूबू हूँ ना, सबका सबका बूबू हूँ मैं, ठीक है? तो बूबू को एक बढ़िया सा गाना सुनाओ। चलो कौन सुनाएगा? पहले भाविस सुनाएगा। मैं कौन हूँ पता है? मेरे को जानते हो तुम? हाँ। कौन हूँ मैं? केदार बाबू ना। तो देखो ये सब मेरे नाती और नातनी लगते हैं। चल पहले नैतिक सुनाएगा यार, तू पूना से आया है, सबसे अच्छा बच्चा, चला जा। ये देखो नैतिक शर्मा रहा है अभी, ये पूना में पढ़ता था, अभी लॉकडाउन से ये घर में है, चला जा, फिर गेम खेलेगा मोबाइल में। अच्छे अच्छे नहीं नहीं पहले तू, फिर जो पहले गाना सुनाएगा ना उसको मैं गेम खेलने के लिए मोबाइल दूंगा अपना। अच्छे अच्छे गेम है मेरे उसमें, चला जा। तो दोस्तों सबसे पहले भाविस गाना सुनाने वाला है जो क्लास टू में पढ़ता है प्राइमरी विद्यालय द्वारी में। चल स्टार्ट। लालू बतल सराबा, तू छे बड़ी खराबा, अब क्या करूं रे, नस मजी चूर है गयू, ताकि मिली बिस्की मिले हिट सराबा मिके। तो दोस्तों अभी मैं आपको संध्या का एक पोयम सुनाने वाला हूँ। ये संध्या है और ये क्लास फोर्थ में पढ़ती है अल्मोड़ा में, और ये एक बहुत अच्छा पोयम सुनाने वाली है, तो आप सुनिए, देखते हैं कैसा पोयम ये सुनाती है आप सभी को। एक एक सब पेड़ लगाए, पेड़ करोड़ों ही उगाए, धरती हरी भरी हो जाए, फिर रोगों को दूर भगाए, अरे कुल्हाड़ी को तुम रोको, धरती नष्ट होती है, जब जब कोई पेड़ काटता धरती माता रोती है। बहुत बढ़िया, चलो क्लैपिंग करो सब, ताली बजाओ। ये तो ये संध्या है जिसने बहुत ही अच्छा एक पोयम सुनाया, मतलब कि इसने एक संदेश दिया कि हम सभी ने जो है पेड़ लगानी चाहिए, पेड़ नहीं काटनी चाहिए। क्यों, तुमने लगाया कभी पेड़? हाँ। कहाँ लगाया? खेत में लगाया ना। नैतिक ने लगाया, पेड़ लगाया कभी तूने? आ मैं बताऊंगा, मैं भी वही बताऊंगा, मेरे बुक में से है वो। अच्छा तेरे बुक में से है, तू भी वही बताएगा? मैं चल चल फिर चल। एक एक सब पेड़ लगाए, पेड़ कलर ही उगाए, धरती हरी भरी हो जाए, फिर रोगों को दूर भगाए, अरे कुल्हाड़ी को तुम रोको, अब धरती नष्ट होती है, जब जब कोई पेड़ काटता धरती माता रोती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। अब कौन सुनाएगा, कोई दूसरा पोयम सुनाएगा? कौन सा सुनाएगी माही? कौन सा सुनाएगी? तू गाना सुनाएगी? चल चंदू गाना गा। क्या तभी तेरे को? तो दोस्तों ये संध्या की बहन है माही, और ये भी एक पोयम सुनाने वाली है, देखते हैं माही कौन सा पोयम सुनाती है। देखो चिड़िया बड़ी सी आनी, ये है सभी पेड़ों की रानी, सुबह सवेरे उठ जाती, अब तेरे धुन में गाती है, शाम से पहले घर आती है, बच्चों को दाना लाती, भर भर चोंच खिलाती है, चहक चहक कर गाती है। चलो क्लैपिंग क्यों नहीं कर रहे माही के लिए। चल अब चंदू आजा, चंदू आजा। तो अब ये है चंदू, और ये पता नहीं कौन सा पोयम सुनाएगा, ये भी पोयम सुनाएगा, या गाना सुना ले या पोयम सुना ले, दोनों में से एक चीज कोई भी। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर, इसलिए हम इसे चढ़ाते कहते इसको शक्कू। नाम है इसका कोयल माने मिर्ची, जैसी मिर्ची इसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इसकी तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है इसका कक्कू। अगर हमारी कविता अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तूने मेरी वीडियो देखी इससे पहले? हाँ। कहाँ देखी? बास्ती वाली वीडियो देखी। हाँ। कब देखी? पहले साल। अच्छा तो शाम को ये वीडियो मेरे चैनल में आ जाएगी, तो देखना, ठीक है? हाँ। देखेगा ना? हाँ। पक्का? हाँ। और कौन कौन से और भी वीडियो देखी तूने? नहीं नहीं देखी। और अभी तो बोला था देखी है करके, देखी है तूने? हाँ। अच्छा
तो देखो ये सारे बच्चे मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब देखते हैं वीडियो। तो यार दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बाहर, और जब मैं अंदर वीडियो बना रहा था बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो अभी मैं दोबारा से बाहर आ गया हूँ। बारिश अभी बंद हो गई है, देख सकते हैं पीछे जो आप मकान देख रहे हैं यहीं पर है श्राद्ध, और करीब एक घंटा हो गया मुझे यहाँ पे पहुँचे हुए। तो देख सकते हैं अभी सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, देखो ये देखो, हाँ खेलो। तो देखो अभी सब अलग अलग जगह से बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे खेल रहे हैं देखो आपस में। हम लोग भी ऐसे खेला करते थे बचपन में, जब गांव में किसी के घर में कोई कामकाज होता था हम सभी लोग इकट्ठा होकर खेलते थे। तो ये देखो बचपन के दिन याद आ गए हमको बच्चों को देख के। तो यार दोस्तों ये लोकेशन है, तो यार दोस्तों ये लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हूँ मैं, और ये जो मकान है पूर्व ग्राम प्रधान हमारे गांव बास्ती की श्रीमती नारायणी देवी जी जो यहाँ पे रहते हैं, श्री नरेंद्र सिंह जी, दीवान सिंह जी और मोहन सिंह जी, तीन भाई हैं, तो उन्हीं का ये मकान है, और उनके पिताजी का श्राद्ध है, और उनके पिताजी हमारे ताऊ जी लगते थे। तो ये देखिए ये है पूरा यहाँ पे गांव का नज़ारा, नीचे देखो यहाँ पे मिर्ची के पेड़, इसमें मिर्ची लगे हुए हैं, और ये देखो राजमा, ये सारा राजमा का पेड़ है, और ऐसे ही यहाँ पे भी है देखो, सब सब्जी वगैरह लगा रखे खेतों में ऐसे। ये देखिए दोस्तों हमारे गांव में एक अनोखा कुत्ता है, बिल्कुल दुनिया का सबसे विचित्र कुत्ता आप इसको कह सकते हैं। देखो ये देखो इसका कैसा कलर है देखो ये, लेकिन ये इसका नेचुरल कलर नहीं है, इसको मेहंदी लगा के ब्लैक मेहंदी से इसको ऐसा डिज़ाइन दिया गया है देखो। और ये गाँव के लोग बता रहे हैं जब बंदर आ रहे हैं गाँव में खेतों में तो इसको देख के वैसे ही भाग जा रहे हैं, बाघ समझ के। क्यों हैं, किसने बनाया तेरा ऐसा कलर बता, ये देखो। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे गांव द्वारी का मौसम कुछ इस टाइप का हो रखा है, पूरा कोहरा लग चुका है। बीच में दो चार दिन थोड़ा सा मौसम सही था दोस्तों, लेकिन फिर से मौसम ख़राब हो गया है। और ये देखिए और श्राद्ध भी हो चुका है, अभी जो लोग यहाँ पर आने वाले थे निमंत्रण में लगभग सभी लोग आ गए हैं, कुछ अंदर बैठे हैं, कुछ सामने रसोई में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस टाइप का है अभी दोस्तों। ये हैं बकरियाँ, पहाड़ के बकरियाँ देखो, ये गए थे जंगल चढ़ने के लिए, और ये रहा चंचल सिंह जो इनको चुगाने के लिए ले गया था देखो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी श्राद्ध पूरा होने के बाद सभी लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, तो मैं भी बैठ चुका हूँ खाने के लिए, पहले खाना खा लेते हैं। सामने जो रसोई लगी आप देख सकते हैं, पंडित जी बांट रहे हैं कुछ लोगों को, बाकी कुछ लोगों को गांव के ही और लोग बांट रहे हैं। तो पहले खाते हैं फटाफट से खाना क्योंकि बारिश भी हो रही है, फिर मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो यार दोस्तों फाइनली खाना खा चुका हूँ मैं, और अब घर को निकलने की चल रही है तैयारी, कुछ लोग यहाँ पर और रह गए हैं जिन्होंने अभी खाना खाना है, तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं खाने की। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे को, आगे जाकर ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, आप बने रहो ब्लॉग में। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं वापस आ गया हूँ वहाँ से खाना खाने के बाद, और अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है एक बार फिर से। और ये देखिए मेरे आगे आगे जा रहे हैं हमारे पंडित जी जो कि दसोली से हैं, श्री दिनेश पाठक जी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप मौसम दोस्तों। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एक खेत हैं, इसमें पहले घास जमी होगी तो अभी ये काट लिया है, मतलब कि जिसको हम लोग गैजियो बोलते हैं, तो गैजियो यहाँ पे काटने लगे हैं लोग। और अभी अशोच का महीना चल रहा है, तो इस अशोच के महीने में यहाँ पे जो खेतों में धान मक्का मड़ुआ वगैरह जो भी बोया है लोगों ने उसको भी लोग समेटते हैं, उसके अलावा ये घास भी काटते हैं, बहुत सारा काम होता है, फिर बुआई का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय बाद। तो यार दोस्तों देख सकते हैं फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं छुरमला गेर, जहां पर मैंने अपनी गाड़ी लगा रखी है, ये रही मेरी गाड़ी, और ये रहा छुरमला गेर। तो ये सामने से जो रास्ता जा रहा है ऊपर को, यहीं से मैं गया था। तो फ़िलहाल निकलते हैं दोस्तों यहाँ से धर्मगढ़ की तरफ, और धर्मगढ़ पहुँच के फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, तो बने रहो ब्लॉग में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And कहाँ से आ रहे तो? रुके, ये पैजामा तो सही कर ले, इसको देखो गाइस कैसा है ये, जैसे रोपाई लगा के आ रहा है ऐसे आ रहा ट्यूशन से। बैग कहाँ रखा तूने? हाँ पहुँचा दिया रूम में। तो यार दोस्तों अभी मैं धर्मगढ़ पहुँच गया हूँ, और जैसे ही मैं धर्मगढ़ पहुँचा तो मैंने जैकेट पहन लिया क्योंकि यहाँ पे हो रहा था बहुत ठंडा। और यहाँ पे देखो दोस्तों जो मेरी दुकान में टाइल लग रहे थे तो ये काम अभी जारी है, और पीछे देखिए राजू भाई यहाँ पर काम में लगे हैं। तो कल वाले ब्लॉग में मैंने राजू भाई को दिखाया था और इनके काम को दिखाया था। क्यों कर रहा है घरों नखरे ऐसे हैं? बाहर बारिश हो रही है और तो ऐसे घूम रहा है, ठंडा नहीं हो रहा तेरे को? चल जा 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 नीचे। ये देखिए गाइज कैसे हरकतें करता है ये कभी कभी। कहाँ गया था? कहाँ गया था? गंदा बच्चा है। तो राजू भाई हो जाएगा आज काम पूरा? कल वाली वीडियो तुम्हारी खूब धमाल मचा रही है यार। आप बिहार से कमेंट आ रहे हैं तो हमारे गांव का मिस्त्री है, वहाँ कहाँ से आ गया धर्मगढ़? मैंने बोला भाई ये तो 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मनोज गुरु ठीक कर रहे हैं ये काम हैं नंबर एक का? तो देखो यार राजू भाई यहाँ पे काम में लगे हुए हैं, आज काम मेरा फिनिश हो जाएगा। करीब 5-6 दिन से दोस्तों दुकान बंद है मेरी, और यहाँ पे ये देखिए ये फ़र्श है, तो फ़र्श में थोड़ा सा अलग टाइप का टाइल लगा रहे हैं ताकि इसमें लोग फिसले ना, और अंदर को अलग टाइल है। तो मैं तो गया था गांव, बाकी ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सुबह से, देख सकते हैं आप। टाइल लगाने का जो तरीका है दोस्तों, सबसे पहले नीचे पूरा सीमेंट और रेते से पूरा बेड बनाया जाता है इसका, और उसके बाद एक बार टाइल रखा जाता है, और टाइल इसमें सही से फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे जो कमी होती है देखो ऐसे पूरा किया जा रहा है, फिर इसके ऊपर में और दोबारा टाइल रखेंगे, फिर और सही से चेक करेंगे, फिर टाइल निकाल के इसमें लास्ट में फिर सीमेंट का घोल डालेंगे, फिर उसके बाद टाइल को इसमें शट किया जाता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। और सामने देखो बबलू को, लकड़ी का मिस्त्री है ये भी, आज नहीं था क्या काम में? बागेश्वर गए थे काहे के लिए? अच्छा बबलू भाई का मशीन बिगड़ गया था, ये बागेश्वर गए थे देखो। और ये देखो राजू भाई बोल रहे हैं भाई साहब का नाम पुजारी है, और बबलू बोल रहा है सीयू है। क्या नाम है भैया आपका? सीयू। सीयू का मतलब सीयू मतलब शिव भगवान। शिव शिव भगवान। अच्छा तो शिव नाम है इसका, शिव शिबू बोल रहे हैं शिबू। तो शिबू भाई आज लगे हैं काम में। कल संजय आया था, वैसे वो पेंट का कलाकार है, लेकिन कल उसको यहाँ पे जो है टाइल के काम में मजदूरी में लगा दिया था राजू भाई ने अपने साथ में। ये देखिए और मार्केट के हाल देखो दोस्तों, बिल्कुल सुनसानी है यहाँ पे बारिश की वजह से। और सामने देखो ये नज़ारे हैं यहाँ पर। बबलू भाई का तो कर ही दिया है मैंने इंट्रोडक्शन, लकड़ी के मिस्त्री हैं बबलू भाई, तो बाकी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो काम दिया जाएगा बबलू भाई को भी यहाँ पे। क्यों? ये देखो ये बन रहा है घोल सीमेंट का, बहुत मेहनत है यार टाइल लगाने में भी। तो यार दोस्तों अभी मैं आया हूँ नरेंद्र भाई की दुकान में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ काम कराना था। देखो नीचे ज़मीन में कट्टे फेंक रखे खरीद के लिए थे, तो एक साइड से ये पैक होते हैं, एक साइड से खुले होते हैं, लेकिन ये दोनों साइड से खुले थे, तो यहाँ पे जो इनके टेलर मास्टर साहब हैं इन्होंने इनको सही कर दिया है, इसी काम के लिए यहाँ पे आया था। बाकी नरेंद्र भाई बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, तो मैंने इनको ये दिखाने के लिए यहाँ पे वीडियो बना दिया कि ये मेरा माइक है जिससे मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये देखो ये है इनकी शॉप यहाँ पर भी और ये वाली भी। तो नरेंद्र भाई अब समझ में आ गया ये क्या है करके? बिल्कुल सर आ गया ना। चलिए धन्यवाद, आ जा ले ले। ये देखिए एक बहुत ही ख़तरनाक डॉग आप देख सकते हैं धर्मगढ़ में, वर्मा जी का ये कुत्ता है और काफ़ी अच्छा है। देखो काटना मत यार, काटना मत यार, काटना मत हाँ। और यहाँ पे देखो दोस्तों अभी भी मौसम ख़राब है, पूरा कोहरा लगा है। और सामने दिखाता हूँ मैं आपको दिल्ली धर्मगढ़ रोडवेज
काठगोदाम डिपो की यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये देखिए राइडर, ये देखो लड़के ले रहे हैं बाइक के मजे। और उस्ताद जी क्या कर रहे हो यहाँ? हेलो, ये देखो हमारे कोरंगा जी को जो कि यहाँ पे मोमो बना रहे हैं फ्रेश। अगर आपको मोमो खाने हैं तो धर्मगढ़ में इस ढाबे में आ जाना है। यहाँ पे देखो इधर भी दिखा दो जरा, ये कोश्यारी जी, ये देखो मोमो बन रहे हैं अभी। कोश्यारी जी की छुट्टी में कोरंगा जी यहाँ पे ड्यूटी संभाल रहे हैं। देखो ठीक हो रहा है दुकानदारी? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सही हो रहा है ना। और क्या क्या बना रहे हो? मोमो चाउमीन हो गया, समोसे तो अभी फिलहाल बना रहे हैं। समोसे ऑर्डर ऑर्डर में खाली ना, और वही दाल चावल सब्जी रोटी। चलिए ये देखो कारोबार चल रहा है यहाँ। राजू भाई का अपना कारोबार चल रहा है और इसका अपना कारोबार चल रहा है। और ये है इनका मैनेजर, ठीक काम कर रही है। ये बनियान है न्यान सही से बुन रही है। अच्छा आलू ले लो, टमाटर ले लो, 5 रुपए के हैं। जाने वीडियो बनाते हैं। चलो आलू ले लो, चलो 5 रुपए के आलू हैं। तो दोस्तों देखो हर्षव बेच रहा है यहाँ पे आलू और बोल रहा है आलू ले लो, 5 रुपए के आलू हैं। 5 रुपए के आलू कितने देगा? 1 किलो। 2 किलो कितने में देगा? 10। 3 किलो? 3 किलो 20। अभी नहीं, टूट हो गया मैंने हाथ से। तो यार दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ इस टाइप का रहा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर देना। साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, आप मेरी हर वीडियो टाइम पर देख पाएंगे। तो फिलहाल आप सभी अपना ख्याल रखें, हमारी वीडियोज ऐसी देखते रहिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।